गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं क्लास टेंथ के लिए फुटप्रिंट विदाउट फीट से लेसन सेकंड, जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी, इसका पार्ट सेकंड मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। प्लीज सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करें। तो देखिए, सबसे पहले वर्ड्स मीन्स बोरो उधार लेना, लेंड उधार देना, सेलिब्रेट मनाना, मैगजीन पत्रिका, पब्लिशर प्रकाशक, मैट्रेस मीन गद्दा, चांस मीन्स ऑप्शन, चीटिंग ठगना, अपॉर्चुनिटी अवसर, प्लीज मीन्स खुश, डिफिकल्ट कठिन, केयरलेस लापरवाह, प्लेजर मीन्स आनंद, कैरिएज रेल का डिब्बा, मूनलाइट चांदनी, सिचुएशन स्थिति, ब्लैंकेट मीन्स कंबल, पीसफुली शांतिपूर्वक, सर्च तलाश करना, काउंटेड गिना, रीच पहुंचा, हेजिटेटेड मीन्स हिचकिचाया। ये पार्ट सेकंड की वर्ड्स मीनिंग्स आपके सामने है, आप इनको लिख लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। अब मैं इसका ट्रांसलेशन करने जा रहा हूँ, तो सभी स्टूडेंट्स अपने पाठ्य पुस्तक का लेसन टू इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे, जो पेज क्रमांक 10 पर है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से हरि सिंह नाम का बालक अनिल से दोस्ती करता है, उसको अपने विश्वास में लेता है और वह किस प्रकार से अपनी चोरी की प्लानिंग बनाता है। अनिल मेड मनी बाय फेट्स एंड स्टार्स, अनिल कड़ी मेहनत से पैसा कमाता था। ही वुड बोरो वन वीक लेंड द नेक्स्ट, एक सप्ताह उधार लेता था और अगले सप्ताह को उधार देता था। He kept worrying about his next check, अगले चेक के बारे में हमेशा चिंतित रहता था। But as soon as it arrived, लेकिन जैसे ही उसके पास वह चेक आता था, He would go out and celebrate, तो जैसे ही पैसा आता था वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था, यानी आनंद मनाता था। इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, ही रोड फॉर द मैगजीन्स, अनिल क्या करता था कि ये पत्रिकाओं के लिए लेख लिखता था। ए क्यूअर वे टू मेक ए लिविंग, जीवन यापन करने का एक विचित्र तरीका। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक दिन शाम को वह नोटों की छोटी गड्डी लेकर आया, सेइंग कहते हुए ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, कि उसने एक पुस्तक को एक प्रकाशक को उसने अभी अभी बेचा था। ये उसने हरि सिंह नाम के बालक से कहा। एट नाइट, रात में वो चोर है वो कह रहे, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने उसे पैसा गद्दे के नीचे छिपाते हुए देखा। आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे छिपाते हुए मैंने पैसे को छिपाते हुए देखा।
I had been working for Anil for almost a month. मैं लगभग एक महीने से अनिल के साथ काम कर रहा था. And apart from sitting on the shopping और shopping पर जो ठगता था, धोखेबाजी करता था, उसके अलावा had not done anything in my line of work. मैंने मेरी इस कार्य की जो लाइन है इसमें मैंने और कुछ नहीं किया, केवल शॉपिंग पर एक या दो रुपए में क्या है बचा था और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया. I had every opportunity for doing so. मेरे पास ऐसा करने का हर संभव, हर अवसर मेरे पास होता था. अनिल है गिवन मी ए की टू द डोर. अनिल मुझे दरवाजे की चाबी दे चुका था. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज. और मैं मेरी मर्जी से आ सकता था और जा सकता था. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन. तो ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, सबसे ज्यादा विश्वास पात्र था, सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था. I had ever met, जैसा मुझे पहले कभी नहीं मिला. And that is why, वो यही कारण है. It was so difficult to rob him, उसको लूटना बहुत कठिन था. It is easy to rob a greedy man, एक लालची व्यक्ति को लूटना सरल होता है. Because he can afford to be robbed, क्योंकि वह उस लूट को बहन कर सकता है. But it is difficult to rob a careless man, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन होता है. Sometimes he doesn't even seem, कभी उसे इतना भी प्रतीत नहीं होता. He doesn't even notice he has been robbed, कि उसे लूटा जा चुका है. And that takes all the pleasures out of work, और वह अपने काम के द्वारा कार्य का पूर्ण आनंद लेता है. Well, it is time I did some real work. अच्छा, जिस समय मैंने मेरा असली कार्य किया. I told myself, मैंने स्वयं को कहा. I am out of practice, मैं अनुभवी हूं इस कार्य के लिए. And if, अब वो सोच रहा है हरी सिंह, if I don't take the money, यदि मैं इस पैसे को नहीं लूंगा, he will only waste it on his friends. तो he will only waste it on his friends. वह केवल अपने दोस्तों पर इसको खर्च करेगा. After all, he doesn't even pay me. वह मुझे पैसा भी भुगतान नहीं करता है, तो चोरी करने में क्या हर्ज है? अगर मैं चोरी नहीं करूंगा तो ये पैसा अपने दोस्तों, आखिरकार इसके पास एक पैसा रहने वाला नहीं. अनिल वाज ऐसी, अनिल सोया हुआ था. ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप ओवर द बालकोनी, चंद्रमा की चांदनी बालकोनी के ऊपर से उसने कदम रखा. एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर पर पड़ा. चंद्रमा की चांदनी बालकोनी से होती बिस्तर पर. I sat up on the floor, मैं फर्श पर खड़ा हो गया. Considering the situation, और वहां की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उसका जायजा लेने के लिए सोच रहा है, स्थिति को भांप रहा है वैसे. If I took the money, I could catch the Dusty's express to Lucknow. यदि मैं इस पैसे को अभी ले लूंगा
तो मैं रात के 10:30 बजे जो लखनऊ एक्सप्रेस जाती है वो मैं पकड़ सकता हूँ, यह उससे सोचा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से बाहर निकलते हुए आई क्रैप अप टू द बेड, मैं बिस्तर के पास सरक कर पहुंच गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल चुपचाप शांतिपूर्वक सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइन, उसका चेहरा स्वच्छ और निश्चिंत था, किसी प्रकार की चिंता की रेखाएं नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहां तक कि मेरे चेहरे पर तो फिर भी चिन्ह थे। दो माइंड पर मोस्टिस खास, तो मेरे तो चिन्ह थे बहुत ज्यादा भयानक थे, मेरे चेहरे पर भय व्याप्त था और अनिल निश्चिंत होकर सोया हुआ था। माई हैंड, अब देख किस प्रकार से वो चोरी करता है। माई हैंड स्लिप अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ गद्दे के नीचे सरक गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोटों को मैंने ढूंढा। व्हेन आई फाउंड देम, और जब मुझे वो मिल गए, आई व्यू देम आउट विदाउट ए साउंड, मैंने बिना आवाज के उनको बाहर निकाला। तो आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, बिना आवाज के मैंने उनको बाहर निकाला। अनिल साइडेड इन हिज स्लीप, अनिल ने नींद में गहरी सांस ली, कराहने लगा। एंड टर्न ऑन हिज साइड, और वह उसकी करवट बदल गई। टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ पलट गया। आई वाज स्टार्टल्ड, मैं चकित रह गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और शीघ्र ही कमरे से बाहर आ गया। चोरी कर ली, कमरे से बाहर आ गया। व्हेन आई वाज ऑन द रोड, और जब मैं सड़क पर था, आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। I began to run, मैंने दौड़ना शुरू किया। I had the knots at my waist, तो I had the knots at my waist, और वो नोट मेरी कमर पर थे। Held there by the string of my pajama, और मेरे पजामे के जो नाड़ा था उससे बंधे हुए। I slowed down to a walk, चलते चलते मैं धीमा हुआ। And counted the notes, नोटों को गिना। 600 रुपीज इन 50s, 50-50 के नोट थे, 600 रुपये। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, एक या दो सप्ताह के लिए एक अरब कल तेल व्यापारी होता है उसके सामान में रह सकता था। व्हेन आई रीच, पैसा लेकर कहां पहुंच गया, स्टेशन। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बोर्ड ए टिकट इन माई लाइफ, वो बताता है कि मैंने मेरे जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा, और टिकट नहीं खरीदने की वजह से मैं सीधा स्टेशन पर पहुंच गया प्लेटफॉर्म। बट देश स्ट्रेट द प्लेटफॉर्म, सीधा था पहुंच गया प्लेटफॉर्म। द लखनऊ रेल एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस लगभग रवाना होने वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, रेलगाड़ी अपनी स्पीड पकड़ चुकी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल, तो आई शुड हैव बीन एबल टू जंप
इनटू वन ऑफ द कैरियर और मैं किसी भी किसी एक डिब्बे में छलांग लगा सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचा गया। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, कुछ कारणों से जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने ट्रेन में बैठने का चांस खो दिया और रेलगाड़ी वहां से चली। केरा खूब बैठ सकता था, लेकिन मैंने चांस खो दिया और गाड़ी चली। ये बिंदु यहां पर कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप इसका उत्तर स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। हाउ डिड अनिल अर्न मनी फॉर हिज लिविंग? हाउ डिड अनिल अर्न मनी फॉर हिज लिविंग? अनिल किस प्रकार से अपना जीवन यापन करने के लिए पैसा कमाता था? तो इसका उत्तर है, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स, कड़ी मेहनत करके पैसा कमाता था। ही वुड बोरो वन वीक लेंड द डेट, एक सप्ताह उधार देता था और एक सप्ताह उधार लेता था। ही केप बरी अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, हमेशा अगले चेक के बारे में चिंतित रहता था। वो जब वो चेक आ जाता था तो वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था। ये शुरू शुरू में आपको पढ़ा है। इस बिंदु पर मेरा पार्ट सेवी कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में इसी के पार्ट थर्ड के साथ फिर मैं आपसे मिलूंगा।